चीन से निकला कोरोना वायरस आज पूरी दुनिया में 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में ले चुका है। लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर इस वायरस की खोज सबसे पहले किसने की थी और कब की थी? इंसानों में पहली बार कोरोना वायरस की खोज स्कॉटलैंड की एक महिला ने की थी। नाम था जून अल्मेडा। कोरोना वायरस की खोज करने वाली जून अल्मेडा स्कॉटलैंड की थी। जून ने 16 साल की उम्र में अपने स्कूल छोड़ दिया था। जून ग्लासगो शहर के बस्ती में रहती थी। बेहद ही साधारण परिवार की जून वायरोलॉजी के क्षेत्र में लोकप्रिय बनना चाहती थी। जून ने ग्लासगो शहर के ही लैब में बतौर तकनीशियन नौकरी की शुरुआत की थी और फिर कनाडा के टोरंटो शहर के ओंटारियो कैंसर इंस्टीट्यूट में जून ने अपनी काबिलियत से एक ऐसी विधि पर महारत हासिल कर ली थी जिसकी मदद से वायरस की कल्पना करना बेहद आसान हो गया था। जून की काबिलियत को देखते हुए यूके ने उन्हें 1964 में लंदन के सेंट थॉमस मेडिकल स्कूल में काम करने को कहा, जहां उन्होंने कोरोना वायरस की खोज की। कोरोना वायरस एक ऐसा परिवार है जिसमें 40-50 वायरस मिलते हैं। इसमें से अब तक 4-5 वायरस ही घातक रहे हैं। माना जा रहा है कि उन सब में सबसे घातक कोरोना वायरस का COVID-19। अल्मेडा ने इसी वायरस को ढूंढा 1964 में। साल 2007 में जून अल्मेडा का देहांत हो गया, लेकिन आज जब पूरी दुनिया इस वायरस के चपेट में है तो डॉक्टर अल्मेडा को उनकी मौत के 13 साल बाद एक बेमिसाल रिसर्चर के तौर पर याद किया जा रहा है। उनके काम को मान्यता मिल रही है जिसकी वे हकदार थी।